हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है खोए और तिल के लड्डू बनाना। तो आइए बनाते हैं तिल और खोए से लड्डू। तिल और मावा के लड्डू बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी तिल लिए हैं। ये 250 ग्राम तिल हैं और 250 ही ग्राम हमने खोया लिया है। और ये हमने एक कटोरी देसी खांड ली है। आप चाहे बूरा या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम तिल को रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने कढ़ाई ली है। अब मैं इस कढ़ाई में ये तिल डाल दूंगी और इसको रोस्ट कर लूंगी। और तिल हमारे रोस्ट होने लगे हैं। इन्हें मैं अच्छे से रोस्ट करूंगी तिल को। इन्हें भूनने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं तिल भूनने में। और ये तिल के लड्डू बड़े ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं, तिल और मावा के लड्डू। और ये हमारे तिल भुन चुके हैं, इसे मैं थोड़ा सा ही और भून लेती हूँ। तिल हमारे कितने बढ़िया से भुन चुके हैं। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। तिल को मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब इन्हें ठंडा होने देती हूँ मैं तिल को। और ये हमारा खोया है, इसको मैं गरम कर लेती हूँ। खोया हमारा घर का ही तैयार हुआ है, इसलिए हमें ज्यादा भूनने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इसको हम हल्का सा गरम करेंगे। मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, ये कढ़ाई में ही ऐसे ही गरम हो जाएगा खोया हमारा, क्योंकि कढ़ाई गरम है। और ये हमारे तिल बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसे मिक्सी जार में दरदरा पीस लूंगी। और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। और ये हमारे तिल पीसकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं तिल को इस खोए के अंदर ही डाल दूंगी। मैंने तिल को ज्यादा बारीक नहीं पीसा है। और साथ ही मैं ये खांड डाल देती हूँ और इसको हाथ की मदद से मैं मिक्स करूंगी। और ये हमारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। मैं थोड़ा छोटा ही साइज ही रखूंगी लड्डू का। और लड्डू कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है तिल का। इसी प्रकार से मैं अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। ये लड्डू खाने में बहुत ही बढ़िया होते हैं। इसे आप मकर संक्रांति के अवसर पर बना सकते हैं। और ये हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।